रावत जी, क्या कुछ होने वाला है इस संकट में? भारतीय जनता, कोरोना ने सब कुछ ढक दिया ना, ढकने में बहुत कुछ हो जाता है और सब कुछ ढका ढका भी है जी। अरे भारतीय जनता पार्टी की अपनी बहुत लंबी हमारी परंपरा रही है, प्रशिक्षण के माध्यम से बदले हुए परिवेश में, बदली हुई चुनौतियों में भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए। सत्ता और संगठन का समन्वय बनाते हुए जहाँ आज भारतीय जनता नहीं पार्टी नहीं पहुंची, वहां तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम करना और केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की योजनाएं और माननीय स्वराज जी की योजनाओं को का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए काम करना है। बदले हुए जो मैंने कहा कि एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदारी की भूमिका में है। इसलिए बदले हुए परिवेश में हमको हमारा कार्यकर्ता अपडेट हो और अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपना काम करे, इसलिए इस प्रकार की बैठक हमारी जी। एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में नगरीय निकाय की आपके सामने भी रहेगी, तो नगरीय निकाय को लेकर भी एक टारगेट की तरफ आप लोग बढ़े। हमारे यहाँ सामने कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होती है सामूहिकता के आधार पर होती है, सोच समझ कर होती है, और मध्य प्रदेश में जो अनुकूलता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व मध्य प्रदेश में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र हो सबका विकास हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर के आने वाले नगरीय चुनाव को हम शत प्रतिशत जीतने का काम करेंगे। आप उस जगह से आते हैं जो चंबल ग्वालियर है, चंबल ग्वालियर में पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं रही, लेकिन आपने वापसी की उपचुनाव में, और वो लोग बड़े महत्वपूर्ण है इस बार यहाँ प्रशिक्षण लेने में। निश्चित तौर पर मैंने कहा कि कुछ लोग दूसरे दल से आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और हम देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने से हमारे मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग हुए, जिले अध्यक्ष के हमारे प्रशिक्षण वर्ग हुए, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के अपने आप को ढालने का काम कर रहे हैं, और सब मिलकर के ग्वालियर चंबल संभाग में भी हम नगरीय चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेंगे, मिलजुल कर करेंगे।